यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। ठीक है, अच्छा जो बच्चे इसकी बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो और इस तरह के सेशन लाइव अटेंड करना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे हम सारे अपडेट, जितनी भी क्लासेस वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सब टेलीग्राम पे मिलता है। लिंक्स मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी ना, IIT JEE नीट दोनों की लिंक अलग अलग है, डिस्क्रिप्शन में डली होगी, देख लेना। ठीक है, वॉट कैन बी सेड अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन। तुम कहोगे सर ये इमेज क्यों डाली है, ये क्यों डाल रखी है, और इसके ऊपर वो लोगो भी आ गया, फिजिक्स वाले से हैं, ये लोग हटाना पड़ेगा, इमेज को जमा दिया, ये ऐसी डाली बस अच्छी लगी थी, क्यों डाली, अच्छी लगी थी ऐसे इसलिए डाली है, मैन ये है ना। हाँ तो क्या बोल रहे भाई, सेंटर ऑफ मास को बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो क्या? तो वो कैलकुलेशन से वही भी बता देगा, सेंटर ऑफ मास होता है तुम्हारा 4r/3π में, है ना, तो 4/3π तुम्हें पता है आधे से छोटा होता है, तो कर लोगे ना। उनका कहना है कि भाई बिना कैलकुलेशन के क्या तुम अंदाजे से बता सकते हो, जैसे ये है इसकी रेडियस r है, तो r/2 ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r/2 है, तो क्या तुम बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास r/2 से ऊपर आएगा नीचे आएगा, यही तो है, यही तो बोला है क्वेश्चन में, यही तो पूछा है, क्या बता सकते हैं? एंड आंसर इज यस वी कैन, यस वी कैन। क्यों? थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग। कैसे? थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग। भाई सेंटर ऑफ मास कहां होता है? जहां ज्यादा मास होता है। सेंटर ऑफ मास कहां होता है? जहां ज्यादा मास होता है। इतना तो सब देख सकते हैं भाई, अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो ऊपर ज्यादा मास हो गया, देखो मेंशन भी कर रहे यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर है ना, ऊपर ज्यादा मास हो गया नीचे ज्यादा मास, आई थिंक ये नहीं सोच पा रहे तो पहली क्लास में एडमिशन लो। क्लियरली नीचे का मास ज्यादा है, अगर ऊपर का मास m1 माने नीचे का मास m2 माने तो m2 इज ग्रेटर देन m1, दिख रहा है नीचे इतना बड़ा है, नीचे का मास ज्यादा है, तो जहां ज्यादा मास है सेंटर मास नीचे ही आएगा, कहीं यहां पे आएगा, और इंटीग्रेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते, दैट इज 4r/3π। आई थिंक क्लियर हो गया आंसर, है ना, क्लियर है, सबको क्लियर है ना। तो हाँ, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते बिना कैलकुलेशन करे, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए तो भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, पर बता सकते हैं ऊपर होगा नीचे होगा, ये जरूर बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। तो देखो कितने तरीके होते हैं फिजिक्स में सोचने के।